जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर था, देश हित में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे थे, तब रक्षा विशेषज्ञों से लेकर हमारे दर्शकों तक ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा थी जो ये मान रहे थे कि युद्ध होगा ही नहीं। मीडिया वैसे ही बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, लेकिन युद्ध हुआ और आज रूस और यूक्रेन वॉर का सातवां दिन है। जंग और तेज हो गई है, लेकिन बड़ा खतरा यह है कि क्या यह युद्ध परमाणु युद्ध में तो नहीं बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा परमाणु युद्ध में, जो मौजूदा लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच। आज रूस ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है। रूस की धमकी को दुनिया नजरअंदाज तो नहीं कर रही, लेकिन धमकी जरूर बता रही है। जब रूस की साधारण मिसाइलें चलती हैं तो शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। जब रूस के रॉकेट लॉन्चर बरसते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें ढेर हो जाती हैं। रूस और यूक्रेन वॉर में आप हर दिन हमले और तबाही की नई नई तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी तबाही देखने के लिए क्या दुनिया बचेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस ने वॉर के सातवें दिन परमाणु युद्ध की धमकी दी है। रूस के मुताबिक तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा। रूस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के बड़े प्रतिबंधों के बीच इस दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये विनाशकारी होगा। यूक्रेन से जंग के बीच इस तरह का बयान कोई मामूली बयान नहीं है, और ना ही ऐसा बयान है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ने की तीन बड़ी वजह हैं। पहली वजह, रूस ने परमाणु मिसाइलों के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है। दूसरी वजह, रूस के परमाणु हथियार हमले के लिए एक्शन मोड पर हैं। और तीसरी बड़ी वजह, अगर पश्चिमी देश जंग में सीधे कूदे तो फिर वो परमाणु हमला भी कर सकता है। मंगलवार को ही यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने वैक्यूम बम से हमला किया। बताया गया कि वीडियो वैक्यूम बम अटैक का ही है। वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है, लेकिन परमाणु बम के आगे वैक्यूम बम भी मामूली लगता है। रूस की एयरफोर्स हो या नेवी, पुतिन की परमाणु फोर्स की प्रैक्टिस जारी है। न्यूक्लियर वॉरहेड वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार है। न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ समुद्र में डटी है, और फाइटर जेट्स में न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलें भी लग चुकी हैं। इन सबके बीच पुतिन का एक सप्ताह पुराना बयान अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों के दिमाग में अभी भी ताजा होगा। То современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав. जहां तक अमेरिका का सवाल है, तो रूस के बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियार उसी के पास है, लेकिन अभी उसने परमाणु मिसाइलों का अलर्ट लेवल बदला नहीं है। We think provocative rhetoric like this regarding nuclear weapons is dangerous, adds to the risk of miscalculation, should be avoided, and will not indulge in it. We are assessing President Putin's directive, and at this time we see no reason to change our own alert levels. अगर रूस का दावा सही साबित हुआ, अगर तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध में बदला, तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।
Presenting VNews app, available on Google Play and App Store. Download it now.